हेलो दोस्तों, थिंकिंग ब्रेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामूहिक मूर्खता के बारे में। दोस्तों, अक्सर जब समाज के बहुतायत लोग किसी कार्य को करते हैं तो व्यक्ति भी उस कार्य को करने लगता है बिना सोचे समझे कि वो तार्किक है या वैज्ञानिक। तो हम इससे छुटकारा पाएं और इस जंजाल से कैसे निकले, बौद्धिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम में से कुछ लोगों के लिए गंध जैसा हो सकता है, सामूहिक मूर्खता। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि हम यहाँ उंगली उठाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ इसका विश्लेषण करने और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामूहिक मूर्खता के जाल में फंसने से बचने के तरीके तलाश रहे हैं। कल्पना करिए, भेड़ों का एक झुंड बिना सोचे समझे एक चट्टान से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। यह एक ज्वलंत रूपक है कि क्या हो सकता है जब लोग निर्विवाद रूप से सामूहिक मान्यताओं या रुझानों के अनुरूप। तो ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं सामूहिक मूर्खता क्या है। दोस्तों, सामूहिक मूर्खता अक्सर एक मनोवैज्ञानिक घटना से उत्पन्न होती है जिसे ग्रुप थिंकिंग के रूप में जाना जाता है, जहाँ समूह में सब दाव या अनुरूपता की इच्छा के परिणाम स्वरूप तर्कहीन निर्णय लिया जाता है। यह एक असुविधाजनक एहसास है जब हर कोई सहमत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है। आइए वास्तविक दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं से लेकर सोशल मीडिया ट्रेंड तक सामूहिक मूर्खता ने अपनी छाप छोड़ी है। याद रखें, जहां लोगों ने आप मूद कर भीड़ का अनुसरण किया जिसके विनाशकारी परिणाम हुए, इससे कैसे बचे। अब आइए मारक औषधि के बारे में बात करें, सामूहिक मूर्खता से कैसे बचे। पहला, आलोचनात्मक सोच। अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करें। अंकित मूल्य पर जानकारी स्वीकार न करें, प्रश्न पूछें, विश्लेषण करें और अपनी राय बनाएं। दूसरा, विविध परिपेक्ष। अपने आप को विविध दृष्टिकोण से घेरें। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपके विचारों को चुनौती देते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में आपकी अपनी समझ को व्यापक बनाते हैं। तीसरा, अनुसंधान या रिसर्च। सच जांच आपका सबसे अच्छा दोस्त। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले जानकारी पर शोध और सत्यापन करने के लिए समय निकालें। चौथा, स्वतंत्र निर्णय लेना। यदि आपके विश्वास समूह से भिन्न है तो अकेले खड़े होने से न डरें। विचारों की स्वतंत्रता सामूहिक मूर्खता के विरुद्ध एक शक्तिशाली ढाल है। तो दोस्तों, सामूहिक मूर्खता के सागर से पार पाने के लिए जागरूकता, आलोचनात्मक सोच और भीड़ से अलग खड़े होने के साथ की आवश्यकता होती है। याद रखें, चरवाहा बनना ठीक है, सिर्फ भेड़ों में से एक बनना नहीं। शामिल होने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और स्वतंत्र विचारधारा वाले बने रहें। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।